सोमवार को स्वामी न्यूज द्वारा एक नए प्रोग्राम का शुरुआत की गई, स्मार्ट सिटी अजमेर के नए स्मार्ट पार्षद कार्यक्रम, जिसमें पहले दिन वार्ड नंबर 1 से बनवारी लाल जी शर्मा शामिल हुए, जिनसे सवाल पूछे पत्रकार राजीव लोचन शर्मा ने। देखिए इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कुछ झलकियां। मुझे कई बार प्रचार के लिए या कोई भी जिम्मेदारी देते थे तो उनका कहना था कि तुम्हारे जैसे कार्यकर्ताओं की मुझे सख्त आवश्यकता है। वहीं से मुझे राजनीति की शुरुआत हो गई थी और कॉलेज लाइफ में मैं संयुक्त सचिव का चुनाव लड़ा था। उस समय दीपेंद्र सिंह जी शेखावत, जो कि पूर्व स्पीकर रहे हैं राजस्थान विधानसभा के, वो थर्ड ईयर में थे, मैं सेकंड ईयर में था और मुझे खेल में और राजनीति में दोनों में ही रुचि थी। मेरे को बैडमिंटन और वॉलीबॉल का काफी शौक था। मैं मेरे विभाग की तरफ से भी इंटरनेशनल खेलने के लिए वॉलीबॉल में गया था और राजनीति का जो शौक है वो वहीं से प्रारंभ होता है। और उसके बाद में मेरा ट्रांसफर यहाँ पे अजमेर में हुआ और अजमेर में एक छोटा सा व्यवसाय पत्नी के नाम से एवी आवास विकास संस्थान है, उसमें जो होलो ब्लॉक्स जो ब्लॉक्स बनते हैं उसमें मैंने उनको सहयोग किया, मेरी पत्नी को। उसमें हमारे को अवार्ड भी मिला क्योंकि यहाँ पे जो आवास विकास के जो मकान बन रहे थे उसमें जो ठेकेदारों की जो कार्य प्रणाली थी वह अत्यंत ही दयनीय थी, जिससे समय पे इनको मकान नहीं मिल पा रहे थे। तो हम दोनों पति पत्नी कई बार उन ब्लॉकों के ऊपर चार चार घंटे तक तराई करते थे। तो वह मजबूत इतने होते थे कि डायरेक्टर ने उनको एक पत्थर के ऊपर फेंका तो मेरा ब्लॉक नहीं टूटा, वो पत्थर टूट गया। उस आधार पे आरपीएससी की बिल्डिंग में भी वही ब्लॉक काम में लिए गए थे। और हम लोग काम के प्रति हमेशा लगन से करते थे, उसको यह नहीं देखते थे कि आमदनी के हिसाब से कभी नहीं देखा हमने, इसलिए उसमें भी हम लोग सफल रहे। बाद में आवास विकास संस्थान बंद हो गया और मैंने वो पत्नी का व्यवसाय छूट गया था और मैं मेरी सेवा में रहा। मैं ऑडिट में रहा ज्यादातर समय यहाँ अजमेर में आने के बाद में। ऑडिट में भी मेरा एक लक्ष्य था कि किसी गरीब को या किसी से गलत तरीके से पैसे वसूली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो ऑडिट की एक कार्य पद्धति होती है कि नहीं साहब पिछले बैकग्राउंड में जाकर के उसका एवरेज बनाना, उसके बिल लगाना। मैंने ये देखा, पूरा मेरा अनुभव है और सत्यता पर आधारित है, कि बड़े आदमियों के फोन आते हैं और उनका बिल एक मिनट में कम कर देती है जो भी अधिकारी या कर्मचारी, दबाव में करो चाहे कैसे भी करो, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीब के सुनने वाला भी होना चाहिए। और मैं कई बार गरीबों से जब पूछता था कि वास्तविकता क्या है तो वो बेचारे पीड़ित होते थे, तो उस पर मेरी जो रिकमेंडेशन होती थी वह सकारात्मक होती थी और उनको लाभ दिलाने में मेरी अहम भूमिका रही है। बनवारी जी, जिस प्रकार से देखा जाए कि जो भी व्यक्ति कोई भी होते हैं उनकी कहीं ना कहीं किसी चीज में रुचि जरूर होती है और कोई हॉबी होती है, कोई शौक होते हैं, तो आपकी रुचि किस में है, क्या शौक है? मेरे सामाजिक कार्य में हमेशा रुचि रही है और मैं जिस काम को हाथ में लेता हूँ उसका पहले पूर्ण रूप से आकलन करता हूँ। आजकल वस्तुस्थिति क्या है कि कहते हैं कि सभी के पारदर्शिता होनी चाहिए, 20 आदमियों की मीटिंग बुलानी चाहिए, 50 आदमियों की मीटिंग बुलानी चाहिए, लेकिन मेरा अनुभव यह कहता है, मैंने देखा है कि जितने आदमी होंगे आप वहां पे निर्णय नहीं कर सकते। यदि आपका काम सही है तो निर्णय करने में क्या होता है कि मैं एक एक आदमी से अलग अलग घूमता, मैं कॉलोनी में रात को 10-10 बजे तक भी मैं घूमता, कोई भी किसी तरीके की अप्रिय घटना या किसी भी आवारा प्रकृति के व्यक्ति या शराबी घूमते थे तो उनको मैं रोकता था। उसके बाद में कॉलोनी में ऐसा माहौल हो गया था कि वो मेरे नाम से डरते थे कि भैया आ जाएंगे, शर्मा जी आ जाएंगे तो यार शराब वाला को नहीं।